ठीक है, उसको नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा कि जितने टाइम के लिए एनर्जाइज हो रहा है S1 S4 स्विच जितने टाइम के लिए काम कर रहा है, उतने टाइम के लिए जो भी लोड में इंडक्टर लगा है वो एनर्जाइज हो रहा है, और उसके बाद वो डी एनर्जाइज हो रहा है डायोड की हेल्प से, उतने D2 D3 की हेल्प से वो डी एनर्जाइज हो रहा है। ऐसा ही यहाँ पे हो भी रहा था कि S1 S4 वाले जो स्विच हैं, जब ये कंडक्ट कर रहे थे तो ये जो भी लोड है वो इस पोलैरिटी से एनर्जाइज हो रहा था, फिर उसने अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर ली, और रिवर्स पोलैरिटी के बाद इसकी वजह से D3 और इसकी वजह से D2 फॉरवर्ड बायस हुआ, और फिर D2 D3 की हेल्प से जो भी यहाँ इंडक्टर एनर्जाइज था वो डी एनर्जाइज हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल यही चीज़ हो रही है। फिर नेक्स्ट हाफ के अंदर भी फिर S2 S3 से एनर्जाइज होगा। ठीक है, ये नेगेटिव इसलिए मैंने बताया था क्योंकि रेफरेंस डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इस वजह से नेगेटिव डायरेक्शन की करंट है। ठीक है, ये हो गया RL लोड। अब देखिए, हाँ, अब दूसरी चीज जो आती है वो है RLC लोड ओवर डैम्प सर्किट। जब है RLC लोड है, ओवर डैम्प सर्किट है, ओवर डैम्प सर्किट मतलब वही जीटा ग्रेटर देन 1, उसमें क्या होता है XL इज ग्रेटर देन XC होता है, RLC है। पहली बात तो ये देखिए, इसके अंदर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिल रही है। साइनोसॉइडल क्यों मिलेगी? क्योंकि जब हमने पहले ही वाला सर्किट पढ़ा था, जो सेकंड चैप्टर में पहले ही जो सर्किट पढ़ा है, उसके अंदर क्या था, R, L और C एक टैंक सर्किट है, ऑसिलेटिंग सर्किट है, इसके अंदर की जो करंट आती थी IT करंट, वो एक साइनोसॉइडल करंट आती थी। कम्यूटेशन पढ़ने से पहले ही हमने ये चीज पढ़ ली।